आई सेल्फ नितिन सिंह फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया किलेट सेकंड ईयर से टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स पाठ्यक्रम से यस सेपन सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत यूनिट फोर्थ में हम लोग फ्रैक्शन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसके अंतर्गत भिन्नात्मक संख्या में के प्रकारों को देख रहे थे। भिन्न में सम भिन्न आया हुआ था। सम भिन्न के अंतर्गत देखते हैं ऐसा फ्रैक्शंस, ऐसा भिन्न जिसको हम सम भिन्न कह सकते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, अर्थात जिसके ऐसे भिन्न जिसका न्यूमरेटर मतलब अंश डिनोमिनेटर से ऑलवेज लेस हो, मतलब ऐसे फ्रैक्शन विल बी व्हिच फ्रैक्शंस विल बी कंजुगेट इवन फ्रैक्शंस व्हिच डिनोमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। जब किसी भिन्न में न्यूमरेटर का मान डिनोमिनेटर से अधिक होगा, मतलब कोई ऐसी भिन्न जिसका अंश का मान हर के मान से अधिक होगा, वो भिन्न का मान ऑलवेज एक से कम आएगा, उसे हम सम भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, 1/2, 3/4, 5/6, 2/5, ये सब भिन्न सम भिन्न है। इसमें आप देखेंगे कि जितने भी फ्रैक्शंस हैं इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या है, ग्रेटर है, मतलब इसमें पी अपान क्यू के फॉर्म में पुटअप किया जाए तो पी इज लेस देन क्यू, जब क्यू अधिक होगा पी कम होगा। इस कंडीशंस में जो न्यू फ्रैक्शंस की वैल्यू आएगी ऑलवेज एक से लेस होगा, यदि उसकी वैल्यू एक से कम है वह सम भिन्न होती है। ठीक, आइडिया आया। जैसे इस फिगर शेप से समझते हैं, इस शेप में देखिए, अब 1/2, 1/2 में हाफ है, डिनोमिनेटर क्या है 2 है और न्यूमरेटर क्या है 1 है। यहाँ पे जो 1 है डिनोमिनेटर 2 ऑलवेज ग्रेटर है 1 से, इसका मतलब किस फ्रैक्शंस का एग्जांपल है, लाइक फ्रैक्शंस है। और ये इसमें देखिए, इस फ्रैक्शंस में 3 न्यूमरेटर में है वो 4 डिनोमिनेटर में है। अब जब 3 न्यूमरेटर में है 4 डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू अधिक है, डिनोमिनेटर की। न्यूमरेटर की वैल्यू 3 है, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, तो ये लाइक फ्रैक्शन हुआ। ये 3/4 का मतलब 3 साइडेड पार्ट आउट ऑफ 4, 4 साइडेड पार्ट में से 3 पार्ट को कैरी कर लिया गया है ना। थैंक। इसके बाद विषम भिन्न, ऑड फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस में जस्ट इसके रिवर्स हो जाता है। इसका रिवर्स कहने का मतलब, अभी हम लोग जो न्यूमरेटर की बात कर रहे थे विषम फ्रैक्शंस में, जैसे अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होगा कि ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू अधिक हो जाएगी डिनोमिनेटर से, मतलब कि ऐसा फ्रैक्शंस, ऐसा भिन्न जहाँ पर अंश का मान अधिक हो हर के मान से। यदि हम किसी फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, इज लाइक फ्रैक्शंस इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन या विषम भिन्न। एज एग्जांपल के तौर में देखेंगे, जैसे ये 3/2, 5/2, 7/3, 8/3, एज लाइक, ये जितने फ्रैक्शंस हैं ये फ्रैक्शंस कैसे हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर लेस है न्यूमरेटर से, मतलब हर का मान अंश के मान से कम है। और जब इस कंडीशन में हर का मान अंश के मान से कम होता है तो ऐसा भिन्न कि का मान एक से अधिक आता है, मतलब एक से अधिक जो वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन वन,
एक जितना आएगा उससे अधिक 1.2। जैसे इसी को ट्राई करते हैं, देखिए जब बड़े मान में से छोटे मान को डिवाइड करेंगे तो सम भिन्न वाली बात आएगी, छोटा आएगा, लेकिन यहाँ पे से हमारे डिनोमिनेटर छोटा है और अंश बड़ा है, इसका मतलब हम जब इसके डिवीजन देंगे 2/3 तो एक से अधिक आएगा, नहीं है 8/3 में क्या करेंगे 3/8/3 तो 3 2 6 मतलब एक से अधिक 2 आया। इस प्रकार से फ्रैक्शन का मान मान विषम भिन्न का मान एक से अधिक आता है। इसमें न्यूमरेटर ऑलवेज इज लेस देन न्यूमरेटर, इसका मतलब कि ऐसे फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर लेस ग्रेटर होगा और डिनोमिनेटर लेस होगा। थैंक यू। नेक्स्ट इसके बाद आता है कंपाउंड फ्रैक्शंस, मतलब मिश्रित मिक्स ना फ्रैक्शंस। मिक्स फ्रैक्शंस में क्या होता है, इसका मान ऑलवेज एक पूर्ण मान के से अधिक होता है। एक पूर्ण मान होगा उसके बाद कोई प्राकृतिक संख्या फ्रैक्शंस के फॉर्म में होगा। जैसे मिश्र भिन्न विषम भिन्न का ही रूप है जो हम लोग पढ़े हैं। विषम भिन्न इसमें क्या होता है, जिसमें जो भिन्नात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या व विषम सम संख्या की योग के रूप में लिखा जाता है और एक से अधिक ही होता है। जैसे 5/2 है, अब देखिए 5/2 को आप क्या कहेंगे, ये विषम भिन्न है ना, बोलो। इसमें डिनोमिनेटर लेस है, न्यूमरेटर अधिक है। जब न्यूमरेटर अधिक हो मतलब P इज ग्रेटर देन Q, ये फ्रैक्शन P/Q के फॉर्म में है तो ये विषम भिन्न हुआ, अनलाइक फ्रैक्शन। अब जब ये विषम भिन्न हुआ अनलाइक फ्रैक्शन, इसका मतलब कि ये जो मिश्रित भिन्न है इसी का एक भाग है। इसमें हम क्या करते हैं कि अब हम इसको जब मिक्स फंक्शन में बनाएंगे 2/5, 2 का टेबल ले जाएंगे, 2 2 4 रिमाइंडर 1। इसका मतलब जो हम क्वेश्चंस ले बनाएंगे, क्वेश्चंस कितना है वह डिवीजन का भागफल 2, रिमाइंडर कितना हुआ है 1/4। इसका मतलब साफ कि किसी फ्रैक्शंस को जब हम डिवीजन के रूप में चेंज करते हैं, इस फॉर्म में चेंज करेंगे तो जो वैल्यू आएगी सब्ट्रैक्शन करने के बाद, इसको जब हम मिक्स रूप में लिखेंगे तो जो क्वेश्चंस भागफल आया हुआ है इसको होल में बनाएंगे और जो रिमाइंडर आया हुआ है इसको न्यूमरेटर में टच लिखेंगे, और जिस समर से हम भाग दे रहे हैं जो हमारा डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर ही रहेगा। इसका मतलब 5/2 रिप्रेजेंटेड एज ए मिक्स फ्रैक्शन इज 2/1/2। ठीक, आइडिया आया। आगे देखते हैं, इसके बाद हम भिन्नात्मक संख्याओं की संक्रिया ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शंस नंबर, इसके बाद हम टॉपिक देखते हैं ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शंस। इसका मतलब फ्रैक्शंस की संक्रियाएं, भिन्नों की संक्रियाएं हम नेक्स्ट वीडियो में देखने का प्रयास करते हैं। थैंक यू।